मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस में काम करता हूँ। मेरी मिसिज कृष्णा जी 22 नवंबर 2022 को घर में पायदान पे गिरने की वजह से चोट लग गई थी, जिसमें दर्द होता था बहुत ज़्यादा। हमने एक हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने दवाई लिख दी। उसके बाद हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, 2-3 हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद उसमें आराम नहीं हो रहा था। अजय पवार जी ने देख के MRI वगैरह कराकर बताया कि इसका ऑपरेशन होगा, इनके जो है कौन इसकी हाथ की हड्डी जो है वो टूट गई है, उसका इंस्ट्रूमेंट बदला जाएगा, जो कि इन्होंने हमारा कराया है। बिल्कुल ठीक ऑपरेशन हो गया हमारा। ये लगातार शोल्डर पेन की कंप्लेंट कर रहे थे, बहुत पहले कभी इनको चोट लगी थी, और इंटरेस्टिंगली एक्सरे वाज नॉर्मल, एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल था, एक्सरे जो किया गया वो नॉर्मल था। बाहर भी इन्होंने जो ट्रीटमेंट कराया उसमें एक्सरे नॉर्मल होने के बाद फिर आगे डॉक्टर भी कहता, मरीज भी सोचता कि भाई ये तो नॉर्मल है तो आगे कुछ करना ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने इसका MRI कराया, MRI के अंदर यहाँ पे एक रोटेटर कफ मसल्स रहती है जिसका काम है शोल्डर को मूव करना, उठाना, वो कम्प्लीटली रप्चर थी, उसमें रप्चर था और आर्थराइटिस था, और इसके शोल्डर जो बॉल्ड है, शोल्डर बोल के अंदर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई, जिसको AVN बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, उसकी वजह से आर्थराइटिस डेवलप हो गई थी। तो ये सब चीज़ें MRI में पकड़ में आई। तो इस पेशेंट को हमने सब मेडिकल फिटनेस करा के, फिजिशियन से, कार्डियोलॉजिस्ट से उसको दिखा के, एनेस्थेटिक ने, जब मेडिकली फिट हो गया तब उसको ऑपरेशन के लिए किया। उसमें हमने रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी किया और पेशेंट को जो है जेंटली मूवमेंट हमने अगले दिन से शुरू करा दिया।